नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे। देखिए, सोने की अगर बात करें तो सोने में वॉलिटिलिटी काफी बढ़ते हुए जा रही है, लेकिन एक चीज आप समझ के चलिए कि वॉलिटिलिटी तो बढ़ रही है बट दायरा कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राइजेस ना ही 70,500 के नीचे जा पा रही है, ना ही 73 छोड़ दीजिए, 72 के ऊपर भी जा नहीं पा रहा। तो एक मार्केट दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट अभी तक अगर हम देखें पिछले एक साल के अंदर 20% का रिटर्न, जनवरी से अभी तक 13%, 3 महीने में 9%, 6 महीने में 15%। खाली पिछले एक महीने में हमने जो हाई लगते हुए देखा था, जिसके बाद से ही मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में चले गया। इंटरनेशनल में भी हमने 2440 का हाई देखा था, जिसके बाद मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है। और इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक में नो डाउट हमने मई के एंड में ही देखा था कि 74 का लेवल छुआ था, बट उसके बाद जा नहीं पा रहा है। तो एक तरह से यह है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो मजबूत है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये 70 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बनते हुए देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न छोटे पैमाने पे। लेकिन एज ऑफ नाउ जब तक 70 का लेवल ब्रिज नहीं, क्योंकि 70 गया तो नीचे में डेफिनेटली हम सपोर्ट देखेंगे 68,500, ये इमीडिएट जोन का हम सपोर्ट देखेंगे। बट बोलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब ईसीबी का रेट कट तो हमने थर्सडे को देखा था लास्ट, और अब फेड भी बोल रहा है कि ये साल में एक रेट कट और अगले साल में हम कम से कम 3 रेट कट देखेंगे। जब भी ये रेट कट्स होती है तो कहीं ना कहीं सोने को बेनिफिट मिलता है, डॉलर में गिरावट मिलती है। इनफैक्ट कल जब हमने फेड के अपडेट या इन्फ्लेशन के नंबर देखे थे, तब हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट आई और सोना 72,000 के ऊपर निकल गया था। बट अब मुझे लगता है कि जो बड़े इवेंट्स थे वो हो चुके हैं, जिसके चलते हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनी है। आज के सेशन की बात करें तो प्राइजेस इस वक्त 71,450 से 500 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल में भी 2300 के ऊपर प्राइजेस बना हुआ है। कल के सेशन में हमने देखा था कि फेड रिजर्व ने बताया कि एक इंटरेस्ट रेट कट ये साल में हम करते हुए देखेंगे और आगे भी हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, जिसके बाद प्राइजेस में एक अच्छा बाउंस आया था। इनफैक्ट अगर डॉट प्लॉट प्रोजेक्शन की बात करें फेड मेंबर्स की, तो यहाँ पे एवरेज 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट इस साल कंफर्म है। ये भी बहुत बड़ी बात है सोने के लिए, क्योंकि अब तक हम रेट बढ़ते हुए देख रहे थे, स्टेबिलिटी देखी थी, अब पहली बार हम देख रहे हैं कि रेट कट की तरफ बढ़ रहा है। और जब भी रेट कट होता है तो गोल्ड को उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा, एक चीज़ अभी भी है कि मई की जो इन्फ्लेशन है वो थोड़े बहुत कूल ऑफ हुए भी हैं, लेकिन अभी भी जो हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन के बहुत ऊपर है 3.4 पे। इनफैक्ट शुक्रवार के सेशन में अमेरिका के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आए थे, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत एक अनसर्टेनिटी बनते हुए देखा है, जिसके बाद से हमने वॉलिटी कोल्ड पे बढ़ती हुई देखी है। लेकिन कुल मिला के कल का जो डॉविस मूव था मेजर सेंट्रल बैंक का, जिसकी वजह से अब तक सोने को सपोर्ट मिला है। फिजिकल मार्केट की बात करें तो इंडिया में क्वार्टर वन की जो डिमांड रही है वो बढ़ी है 8% से। इंडिया में जो प्राइस डिस्काउंट रहा है वो लगभग $3 के आसपास हमने मई मंथ में आते हुए देखा। सेंट्रल बैंक के अंदर चाइना एक ऐसा है जहां पे हमने देखा सेंट्रल बैंक ने परचेसिंग के लिए मना किया है या पॉज रखा है, जिसके सेंटिमेंट पिछले हफ्ते से ही गोल्ड पे थोड़ा नेगेटिव पड़ा है। लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली सेंट्रल बैंक की बाइंग अच्छी लगती है, लेकिन हाँ चाइना के बाद से अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा दबाव जरूर बना है। ब्रिक्स ने डिस्कशन रखा है कि गोल्ड का जो रिजर्व है वो हम बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मिक्स व्यू चल रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइजेस के अंदर हम एक कंसोलिडेशन देखें या एटलीस्ट एक कुल बैक देखें। अब अगर हम सीजनैलिटी की बात करते हैं तो सीजनैलिटी में आप देखिए ब्लू लाइन जो है वो एवरेज सीजनैलिटी 2019 से है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मार्च के ऑनवर्ड्स ही हम एक तेजी देखते हैं, जो मई तक तेजी चलती है। जून में थोड़ा सा, जून से पहले पहले एक पुल बैक आता है, बट जून जुलाई के अंदर तेजी देखते हैं, फिर जुलाई से अगस्त के बीच में थोड़ा पुल बैक आता है। इनफैक्ट पिछले साल भी हमने देखा था ये तेजी मार्च में नहीं, फरवरी में आ गई थी, और फरवरी की तेजी के साथ साथ जून तक हमने थोड़ा पुल बैक देखा था। बट जून, जुलाई और अगस्त हमने लगभग प्राइजेस को साइडवेज टू पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए देखा था। सिमिलरली ये साल की भी अगर हम बात करें तो 1 मार्च, मुझे अच्छे से ध्यान है, 1 मार्च से मार्केट में तेजी बनी और मई में हमने टॉप करते हुए देखा है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, मे बी पॉसिबल है थोड़ा सा पुलबैक मिल जाए। बट ओवरऑल अगर हम अगले 6 महीने की अगर बात करें
तो सोने को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा टेक्निकली भी। देखिए चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो हमको एक लॉन्ग टर्म व्यू मिलता है। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं एक बड़ा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है, जिसका नेकलाइन जो था वो करीबन 65,000 का लेवल हमने देखा था। काफी समय से 65,000 के ऊपर सोना जा नहीं रहा था, बट जैसे ही हमने 2024 के फरवरी मंथ में देखा, फरवरी के एंड में जैसे ही मार्केट ने 64,000 का लेवल टूटा, जो प्रीवियस हाई भी था, मार्केट ने एकाएक बड़ा छलांग लगाया और लगाकर हमने मई में करीबन 74,000 का लेवल हमने यहां पे छूते हुए देखा प्राइसेस को। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और ये एक टेक्निक भी है, यहाँ पे हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो मार्केट में एक बड़ी तेजी आती है और तेजी के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रहता है। हाँ, नई तेजी के लिए 74 का लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 78 से 80 भी दिखा दे। और डाउन साइड में अगर हम देखते हैं तो वैसे तो सपोर्ट 70,500 से 70,000 का है, बट कुल मिला के वर्स्ट इन केस भी अगर हम पकड़े तो 68,000 का एक नया सपोर्ट बन जाएगा। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली गोल्ड में हम अभी भी पॉजिटिव देख रहे हैं। टेक्निकल काउंट पे प्राइजेस अभी भी 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रही है। वॉल्यूम में रिसेंटली हमने थोड़ी सी कमी आते हुए देखी है, बट मुझे लगता है कि जितन से जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी फैक्टर से ये गोल्ड को लॉन्ग टर्म में अच्छा ही देंगे। जबकि अगर हम डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि प्राइजेस एक बड़े चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जिस ढंग से हमने एक बड़ी रैली आते हुए देखी है, उस रैली के बाद से ही हम देख रहे हैं प्राइजेस 74 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, ना ही 70 के नीचे जा पा रहा है। नो डाउट अब जो स्टेटमेंट्स आए हैं सेंट्रल बैंक्स के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ईसीबी का जो रेट कट अनाउंसमेंट हुआ है ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बिकॉज ईसीबी के रेट कट के बाद कहीं ना कहीं बैंक ऑफ स्वीडन, कैनेडा, साथ में चाइना, इन सब के बैंकों का इंटरेस्ट रेट कट करना ये साल में तय है। हाँ, फेड के कंफर्मेशन अभी एक इंटरेस्ट रेट कट का आया, जिसकी वजह से प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जून ऑनवर्ड्स ही अगर आप देखते हैं तो प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 70,000 के नीचे नहीं जा पा रहा है। और कल का जो जंप हमने आते हुए देखा वो 72,200 का लेवल है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि सोना 70,000 से लेकर 72,000 का ये 2,000 रुपये का जो जोन है, इसी जोन में मार्केट एक बार टाइमिंग ट्रेड करेगा। इंटरनेशनल की अगर बात करें तो वी डोंट हैव एनी रीज़न, ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो $2,400 अभी का भी तोड़ दे। नो डाउट ईयर एंड तक हम देखते हैं कि प्राइजेस 2400 का लेवल तोड़कर 2650 से 2700 का लेवल भी दिखा देगा, लेकिन टाइमिंग अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई सिग्नल दिखा नहीं है। टेक्निकली अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो टेक्निकल सपोर्ट 2280 से 85 के जोन में आता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि जैसे डोमेस्टिक मार्केट में 70,000 का एक बेस बन रहा है, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 2280 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो एक बार प्राइजेस 2280 तोड़े, देन डेफिनेटली हम लोग थोड़ा पुल बैक देख ले, जो नीचे में 2240-50 भी आ जाए, लेकिन उसकी गुंजाइश बहुत कम है। बिकॉज फिजिकल डिमांड मार्केट में कंटिन्यू बनी हुई है, और साथ में अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक, ये जितने भी फैक्टर्स है, ये गोल्ड को आने वाले टाइम में अच्छा सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो टेक्निकल चार्ट के जरिए मुझे लगता है कि अब बड़े इवेंट हो चुके हैं, फेड की भी मीटिंग का रिजल्ट आ चुका है, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि सोने के अंदर एक टेम्प्ररी पुलबैक देखने मिल जाए, लेकिन कोई भी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन या सेंट्रल बैंक की बाइंग ऐसा कुछ न्यूज़ अगर ट्रिगर करता है तो गुंजाइश तेजी का ज़्यादा है। तो टाइमिंग हम 70,000 का एक सपोर्ट, 70,200 का सपोर्ट जो रिसेंटली हमने अप्रैल मार्च के मंथ में देखा था, ये एक सपोर्ट का काम करता रहेगा। शॉर्ट की सलाह तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा पुलबैक देखने मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर 72,250 के ऊपर गोल्ड अगर निकल जाता है तो हम डेफिनेटली वापस नया हाई जाते हुए देखेंगे, जिस ढंग से करंट एनवायरमेंट बना हुआ है। तो कुल मिला के सोने में एज ऑफ नो ज़्यादा बड़ी वीकनेस तो नहीं है, पर थोड़ा पुलबैक देखने मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।